अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबरू में आपका खैर मकदम है। रुकन तेलंगाना वक्फ बोर्ड व सदर तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट फोरम जनाब वहीदुद्दीन एडवोकेट ने आज शहर के मारूफ सिटी सिविल कोर्ट में बड़े पैमाने पर टीआरएस के ग्रेजुएट एमएलसी उम्मीदवार के हक़ में मुहिम चलाई। इनके हमरा नायब सदर रियासती मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम मीर वाजिद अली खान एडवोकेट, शेख मुर्तुज़ा, मोहम्मद यूसुफ एडवोकेट, मोहम्मद रईसुद्दीन एडवोकेट, मोहम्मद अब्दुल करीम एडवोकेट, अब्दुल कबीर एडवोकेट, मोहम्मद हबीब एडवोकेट, ख्वाजा पाशा के अलावा दीगर वकला मौजूद थे। इस मौके पर जनाब वहीदुद्दीन एडवोकेट ने बताया कि अलहदा रियासत तेलंगाना वजूद में आने के बाद रियासत में 100 करोड़ रुपए वकला के ट्रस्ट को जारी किए गए। 25 करोड़ इस वबाई बीमारी और लॉकडाउन में वकला के अकाउंट में बतौर इमदाद डाली गई। इन्होंने चीफ मिनिस्टर मिस्टर के चंद्रशेखर राव के काम की तारीफ़ करते हुए ग्रेजुएट एमएलसी के लिए टीआरएस के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की अपील की। हेलो, क्या है, लोगों में कंफ्यूजन पैदा करके रखी है।